हल्द्वानी में हुई कांग्रेस की बैठक, कांग्रेस भवन स्वराज आश्रम में हुई बैठक, बैठक में 29 अप्रैल को होने वाली आक्रोश रैली में उत्तराखंड की भागीदारी पर हुई चर्चा। रुद्रप्रयाग प्रदेश के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह पहुंचे केदारनाथ, आपदा पुनर्निर्माण कार्यों का लिया जायजा। धीमी गति से हो रहे कार्यों पर जताई नाराजगी, काम को 29 अप्रैल तक पूरा करने के दिए निर्देश। बैरीनाग में सेना मेले और शहीद स्मारक का हुआ उद्घाटन, मेजर जनरल कवीन सिंह महरा ने किया उद्घाटन, मेजर जनरल ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। रुड़की में प्रशासन का अवैध खनन को लेकर बड़ा अभियान जारी, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने ओवरलोडिंग खनन के पकड़े 24 ट्रक, खनन माफियाओं में मचा हड़कंप। नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है, आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। हल्द्वानी के कांग्रेस भवन स्वराज आश्रम में बैठक हुई, जिसमें आगामी 29 अप्रैल को दिल्ली में होने जा रही कांग्रेस की आक्रोश रैली में उत्तराखंड कांग्रेस की भागीदारी को लेकर चर्चा हुई, जिसमें उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर श्रीमती इंदिरा हृदय सहित कुमाऊं के सभी विधायक, पूर्व सांसद और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अनुग्रह नारायण सिंह सहित कांग्रेस के पदाधिकारियों ने शिरकत की। के यहाँ पे हम पहली बार आए हैं और जन आक्रोश रैली की तैयारी के लिए बहुत ही सकारात्मक लोगों का विचार है और बड़ा उत्साह है कि सारे लोग जो है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पर भाग लेंगे। जैसे कि ICC ने इनको उत्तराखंड को 3000 की एक सीमा दी थी, लेकिन यहाँ सब लोगों ने, हमारे साथियों ने मिलकर तय किया है 3000 कम है, हम लोग 10000 लोगों को ले जाएंगे। बात तो ये एक बड़ी सकारात्मक उत्साहवर्धक कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है और 10000 से ऊपर कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचेगा, रामलीला ग्राउंड पहुंचेगा। केदारनाथ में प्रधानमंत्री सहित 19 BJP शासित राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, लगातार वो मैसेज देना चाहते हैं। देखिए, उनका आना स्वागत है, आए, केदारनाथ तो है ही दर्शन देने के लिए और कृपा करने के लिए, मगर वो लोग जो है एक राजनीतिक एजेंडे के तहत आ रहे हैं, भक्त के तौर पर नहीं आ रहे हैं, राजनीतिक लाभार्थी के तौर पर आ रहे हैं। भगवान सब बातों को समझते हैं और दुख की बात यह है कि वो उन्होंने केदारनाथ को, जो आस्था का स्थल है, उसको पर्यटक स्थल में बदल रहे हैं, वहाँ लेजर शो दिखा रहे हैं। भगवान शिव केदारनाथ में साक्षात जीवांत रूप में विद्यमान हैं, वहाँ पर अवस्थित हैं और लोक कल्याण करते हैं, वो वहाँ प्रतीकात्मक रूप में लेजर से उनको दिखा रहे हैं और साथ साथ उनको कल्याणकारी रूप के बजाय जो है नटराज के फॉर्म में दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपने आप में हिमालयन संस्कृति के विपरीत है। देखिए, देश के प्रधानमंत्री कब क्या करें ये कोई जानता नहीं है। 2014 में जो उन्होंने कहा उसको उन्होंने पूरा नहीं किया, उसके बाद भी लगातार वो नई नई बातें कहते रहते हैं, नई नई बात करते रहते हैं, लेकिन कभी उसको पूरा नहीं किया। और मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ, 2013 में केदारनाथ में आपदा आई और जब आपदा आई तो उस समय केंद्र के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की अगुवाई में, सोनिया जी की अगुवाई में जो सरकार थी, उस सरकार ने देवी आपदा से की मद में 8000 करोड़ रुपया इस प्रदेश को जो है स्वीकृत करने का काम किया। जिस प्रदेश के मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह केदारनाथ धाम पहुंचे और आपदा पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लिया, वहीं CS ने धीमी गति से हो रहे कार्यों पर नाराजगी जताई और दुगनी मेहनत से कार्यों को 29 अप्रैल तक पूरा करने के निर्देश दिए। CS ने दावा किया है कि हमारी टीम वक्त से पहले सभी मार्गों को, यात्रा मार्ग और धाम में बुनियादी व्यवस्थाओं को बहाल कर लेगी, जिससे यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को कोई दिक्कतें न हो सके। पाँच महीने में
यहाँ पे 500 से हजार कार्मिक लगातार कार्य करते रहे। उस समय बर्फबारी भी हुई, अभी भी बर्फबारी यहाँ पे रोज़ शाम के बाद हो रही है, लेकिन बहुत ही बहादुरी के साथ लोगों ने कार्य किया है। उसी का नतीजा अब आप देख रहे हैं कि हमने जो मुख्य मार्ग है केदारपुरी में उसको 50 फीट चौड़ा कर दिया है, उसके ऊपर पत्थर बिछाने का कार्य अभी चल रहा है। जो मंदिर का चबूतरा है उस चबूतरे को लगभग 2.5 गुना प्रशस्त कर दिया गया है, उसके ऊपर भी पत्थर बिछाने का कार्य चल रहा है। इसके अलावा यात्री सुविधाएं जैसे कि पानी की व्यवस्था, आपके टॉयलेट्स की व्यवस्था, यहाँ पर बिजली की व्यवस्था, लाइट्स की व्यवस्था, वो हम सब कर रहे हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है काशीपुर से। काशीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, सड़क सुरक्षा के चलते पुलिस ने निकाली बाइक रैली। पुलिस ने बाइक रैली निकाली है। रैली में व्यापारी और पत्रकारों ने भी किया है सहयोग। स्कूली छात्रों ने भी रैली में सहभागिता ली है। नगर निगम मेयर ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। काशीपुर में सड़क सुरक्षा के चलते पुलिस ने बाइक रैली निकाली है। रैली में व्यापारी और पत्रकारों ने भी सहयोग किया है। छात्रों ने भी इस रैली में हिस्सा लिया है। वहीं नगर निगम की मेयर ने झंडी को इस रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सड़क सुरक्षा के चलते पुलिस ने ये बाइक रैली निकाली है लोगों को जागरूक करने के लिए। इसमें व्यापारी और पत्रकारों ने भी सहयोग किया, तो वहीं स्कूली छात्रों ने भी इस रैली में हिस्सा लिया है। नगर निगम मेयर ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पुलिस का मुख्य उद्देश्य इस रैली को लेकर यह है कि लोग सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक हों। व्यापारी और पत्रकारों ने इस रैली में सहयोग किया, स्कूली छात्रों ने भी इस रैली में सहयोग किया है। नगर निगम मेयर ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पुलिस ने ये रैली निकाली है, एक बाइक रैली निकाली है पुलिस ने, ताकि लोग सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूक हों, उनमें सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं के प्रति जागरूकता आए और ऐसी दुर्घटनाओं से बचा जा सके। काशीपुर में पुलिस ने ये बाइक रैली निकाली है सड़क सुरक्षा के प्रति। रैली में व्यापारियों, पत्रकारों और स्कूली छात्रों ने हिस्सा लिया। सभी ने बढ़ चढ़कर रैली में भाग लिया है। नगर निगम मेयर ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। काशीपुर से बड़ी खबर, और इस खबर पर हमारे सहयोगी शुभम गंभीर काशीपुर से जुड़ गए हैं। शुभम, पुलिस की एक अच्छी पहल है कि सड़क सुरक्षा के चलते एक बाइक रैली निकाली है। जी भानु, आपको बता दें कि प्रदेश भर में पूरे मार्ग दुर्घटनाओं में इजाफा हुआ है, जिसके लिए प्रदेश पुलिस ने कहते हैं एक बाइक रैली का आयोजन किया। सड़क सुरक्षा अभियान जो चलाया इन्होंने, बहुत अच्छी पहल है, जिसका नतीजा है कि पूरे प्रदेश के सभी थानों और कोतवाली चौकी में सभी में ये बाइक रैली निकाली जा रही है, और जनता को एक जागरूक करने का एक अच्छा ये संदेश है, जिससे कि जो नाबालिग हैं उनको ना बाइक ना चलाने दी जाए, और जो बाइक चला रहे हैं उन्हें हेलमेट और अपनी सड़क सुरक्षा के जितने नियम हैं उनका पालन करके बाइक चलानी चाहिए। जी, लोगों को किस तरह से इसमें जागरूक किया जा रहा है और किस किस ने इस रैली में हिस्सा लिया है, अपनी सहभागिता जताई है? इसमें जो है बैनर और तख्तों की मदद से लोगों को संदेश दिया जा रहा है, और ये जो काशीपुर रैली है में जो निकाली गई है, जो इसमें बाइक रैली के माध्यम से लोगों को संदेश दिया गया कि जो हेलमेट पहन के बाइक चलाएं और सड़क के जो जितने नियम है बाइक यातायात के उन नियमों का पालन किया जाए। इसमें जो है व्यापार मंडल, पत्रकार और स्कूली छात्रों ने भी इसमें प्रतिभाग किया है। जी, मेयर ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, उससे पहले मेयर का क्या कुछ कहना था? मेयर उषा चौधरी ने कहा है कि ये एक अच्छी पुलिस प्रशासन की एक अच्छी पहल है और इससे लोगों को एक अच्छी जागरूकता मिलेगी। उन्होंने कहा कि जो सड़क सुरक्षा सप्ताह जो चल रहा है ये पुलिस की बहुत एक सराहनीय, उन्होंने सराहना की है। जी जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया शुभम। तो ये पुलिस का एक अच्छा काम है, पुलिस की अच्छी पहल है लोगों को जागरूक करने के लिए सड़क सुरक्षा के प्रति। नगर निगम मेयर ने इस रैली को हरी झंडी दिखाई, पुलिस ने एक बाइक रैली निकाली है सड़क सुरक्षा के चलते। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने चारधाम यात्रा के सफल होने की कामना करते हुए देश विदेश के श्रद्धालुओं
यात्रियों को चार धाम यात्रा में आने का न्योता दिया है। हरीश रावत ने मीडिया के माध्यम से श्रद्धालुओं से कहा कि चार धाम की यात्रा सुगम है, सुरक्षित है और चार धाम में यात्रियों के लिए सहूलियत पैदा की जा रही है। वहीं ऑल वेदर रोड में लगने वाले जाम पर पूर्व सीएम रावत ने कहा कि सरकार को उन्होंने इस बाबत पहले ही चेताया था। साथ ही उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर तंज कसते हुए ऑल वेदर प्रोजेक्ट को ठेकेदारों का स्वर्ग बताया। चार धाम यात्रा सफल हो इसके हम सब कामना करते हैं और यात्रियों से मैं देश विदेश के कहना चाहूँगा, आए उत्तराखंड में, यात्रा सुरक्षित है, सुगम है और सब तरीके की सहूलियतें पैदा की जा रही है। कहा अब वो दिक्कतें हैं। मैंने प्रारंभ में ही उनको चेतावनी दी थी कि आप 2 महीने पहले से इसको वो कर दीजिए और जिस रूप में हमने प्रोजेक्ट मंजूर किया था इन्होंने इसको ठेकेदारों का स्वर्ग बना दिया है। लेकिन मैं इस स्थल पर इस विषय भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण देहरादून की ओर से AI अखिल भारतीय रिले साइकिलिंग अभियान 2017-18 का आयोजन हुआ जो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचकर संपन्न हो गया। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर साइकिलिंग अभियान के विजेता और सभी भाग लेने वाले प्रतियोगियों को सम्मानित कर उन्हें ट्रॉफी और प्रमाण पत्र दिए गए। कार्यक्रम में हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल और एयरपोर्ट निदेशक विनोद शर्मा के साथ एयरपोर्ट अथॉरिटी से जुड़े तमाम लोग मौजूद रहे। साइकिलिंग अभियान में देश भर के एयरपोर्ट अथॉरिटी से जुड़े साइकिल प्रतिभागियों ने भाग लिया। उत्तराखंड हर दृष्टि से क्लीन इंडिया और ग्रीन इंडिया समृद्ध भारत और सशक्त भारत की दिशा में भी देखें तो हर कदम पर उत्तराखंड एक ऐसा मॉडल स्टेट के रूप में हम देखते हैं जिसको स्वतः स्फूर्त प्रकृति की अधीन है। तो इन लोगों के आज यहाँ पर समापन कार्यक्रम हो रहा है और मैं तमाम प्रदेशों से विभिन्न प्रदेशों से जो प्रतिभागियों ने इस महत्वपूर्ण यात्रा में भाग लिया है मैं उनको बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामना देता हूँ। तो ये छोटे छोटे बच्चों से लेकर स्कूली शिक्षा निकलती है तो यहाँ साइकिलिंग प्रतियोगिता में भाग लिया के प्रतिनिधियों ने। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं राजकुमार अग्रवाल हमारे सहयोगी। राजकुमार, सांसद पोखरियाल निशंक ने सम्मानित किया है साइकिलिंग करने वालों को, बड़ी पहल है ये। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड में लगातार एक मैसेज देने को भी हर संस्था के द्वारा की जा रही है कि सुरक्षित उत्तराखंड है, आप यात्रा की दृष्टि से हो या फिर पर्यटन की दृष्टि से हो, तो इसी कार्यक्रम की रूपरेखा को देख सकते हैं हम इस कड़ी में कि क्योंकि चार धाम यात्रा शुरू हो रही है, जय जी वादे देश विदेश के लोग यहाँ पर आएंगे, तो एक संदेश देने की कोशिश एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से की गई है कि सुंदर उत्तराखंड है, क्लीन उत्तराखंड है और उसके साथ सुरक्षित उत्तराखंड भी है। तो साइकिल रैली कुमाऊं से शुरू हुई थी, गढ़वाल के विभिन्न क्षेत्रों में गई है, उसके बाद कल देर शाम को जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंची है। तो इन सबका सम्मान यहाँ पे जो हरिद्वार के सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, एयरपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन भी हैं ये, तो इनके द्वारा सम्मान किया गया था जो साइकिलिंग प्रतिभागी थे। तो कहीं ना कहीं हम कहते थे कि संदेश जो दिया गया है एयरपोर्ट की तरफ से देश विदेश की यात्रियों को कि सुरक्षित उत्तराखंड है। जी राजकुमार जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार आपका। तो सांसद पोखरियाल निशंक ने प्रतिभागियों को सम्मानित किया है इस AI अखिल भारतीय साइकिलिंग रैली के दौरान।
रुड़की प्रशासन ने अवैध खनन को लेकर बड़ा अभियान चलाया है। रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नरेंद्र भंडारी ने ओवरलोडिंग खनन के 24 ट्रक पकड़े हैं जो खनन सामग्री से भरे हुए थे। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट की इस बड़ी कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा है। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने सभी ट्रकों को सिविल लाइन कोतवाली के सुपुर्द कर दिया है, जिन पर भारी जुर्माने की कार्रवाई की गई है। ट्रक्स 24 ट्रक पकड़े गए थे जो ओवरलोड चल रहे थे, जैसे उनका रवन्ना अगर 9 टन का है तो उसमें 20 टन 18 टन भरा हुआ था, तो उन सबको रोक के थाना सिविल लाइन में उनको सीज किया गया है और उनके खिलाफ रॉयल्टी और जो फाइन होता है वो जमा किया जाएगा। और ये कलियर और सिविल लाइन के बीच में जो नहर पटरी है उस पर ये रोज रात चलते हैं, ओवरलोडेड चलते हैं। आगे हर हफ्ते हम कोशिश करेंगे कि ऐसी कार्रवाई रैंडमली करते रहें ताकि थोड़ा इनमें डर बैठे। बड़ा अभियान जारी है जहां प्रशासन ने 24 ऐसे ट्रक पकड़े हैं जिनमें ओवरलोड माल भरा हुआ था। अवैध खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है इस कार्रवाई के बाद से। खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया है। 24 ऐसे ट्रक पकड़े हैं जिनमें क्षमता से ज्यादा खनन किया जा रहा था। खनन माफियाओं में इस कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि ये कार्रवाई जारी रहेगी, हर हफ्ते ये कार्रवाई होती रहेगी ताकि खनन माफियाओं में प्रशासन का खौफ बना रहे। अल्मोड़ा के कल्याण का हिमालय देवस्थलम में श्री अंतरम की प्राण प्रतिष्ठा जारी है। पहाड़ों में कथा वाचन के लिए पहली बार मुरारी बापू भी डोल आश्रम पहुंचकर राम कथा का आयोजन कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में पूर्व सीएम हरीश रावत और नैनीताल सांसद भगत सिंह कोशियारी भी शिरकत कर रहे हैं। देश भर से आए साधु संतों के साथ दूर दूर गांव से भी रामकथा को सुनने श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि डोल आश्रम स्थान को ध्यान और योग के केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। यहां देश भर से साधु संत आए हुए हैं। वैसे श्री को प्रकाशित करने में कोई उभय की जरूरत नहीं है, लेकिन उभय से श्री प्रकट नहीं होती, श्री के कारण उभय दैदीप्यमान होता है। आप एक कलश से पानी गिराओ। ये दिव्य स्थल है और कल्याणी बाबा जी ने इस अपनी मातृभूमि के प्रति जो कल्याण किया है उसके लिए हम सब उनके बहुत आभारी हैं। और यहाँ अद्भुत राम कथा का पाठ भी हो रहा है, सीताराम के भजन हो रहे हैं, तो ये यहाँ का ये भव्य वातावरण जो है उसमें इस तरीके के जो भगवत भाव हैं वो स्वतः लोगों के मन को। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा शुरू हो गई है। ऐसे में पहाड़ों में अपनी सेवाएं देने वाले डॉक्टरों की तैनाती भी चार धाम यात्रा पड़ावों में की जा रही है, जिसमें पौड़ी से 12 डॉक्टरों की टीम को चार धाम के लिए रवाना किया जा रहा है, जिसमें 4 स्पेशलिस्ट और 8 नॉन स्पेशलिस्ट डॉक्टर शामिल हैं। ऐसे में पहले से ही डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी आने वाले दिन में मरीजों पर भारी पड़ सकती है, जिसमें खासतौर पर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी मरीजों को खासा परेशान कर सकती है। हालांकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टरों के चार धाम पर जाने में वैकल्पिक व्यवस्था बनाते हुए मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर चुके कुछ नए डॉक्टरों से इस बीच खाली पड़े पदों को भरने की बात कह रहे हैं। साथ ही स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम 1 माह बाद दोबारा से अपना पद ग्रहण कर लेगी। और 6 नॉन स्पेशलिस्ट रुद्रप्रयाग के लिए, 1 जो है उत्तरकाशी के लिए, 1 चमोली के लिए,
तो इस तरह से जो है हमारे यहाँ 8 नॉन स्पेशलिस्ट और 4 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो हैं चारधाम की यात्रा में जा रहे हैं। वैकल्पिक व्यवस्था में ये है कि अभी जो है जो नए डॉक्टर्स आ रहे हैं हमारे, तो वो उसमें जो है उनके स्थान ले लेंगे उस दौरान, और जो स्पेशलिस्ट हैं वो एक महीने के लिए जा रहे हैं, तो जो कंसर्निंग दूसरे डॉक्टर्स हैं वो उनके जो है। बैरीनाग महाविद्यालय के खेल मैदान में सेना मेले और शहीद स्मारक का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन मेजर जनरल कविंद्र सिंह मेहरा ने किया। मेजर जनरल ने बैरीनाग में नए शहीद स्मारक का उद्घाटन करते हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी और शहीदों को नमन करते हुए कहा कि इस क्षेत्र के जवानों ने हमेशा देश की रक्षा की है। देश के लिए बलिदान देने वाले जवानों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। मेले का आयोजन गरुड़ डिवीजन 6 माउंटेन बिग 13 सिख रेजिमेंट ने किया। 500 किलोमीटर दूर से यहाँ पर पहुँचा हूँ स्कूटर लेने के लिए, और अभी गाड़ी जो मिली है, ये जो आर्मी जो वाले जो ये हेल्प करते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। उससे एक आदमी के लिए मोबाइलिटी के लिए ये चीज़ें बहुत जाती हैं, और ऐसे बार बार करना चाहिए, ऐसे देते रहना चाहिए। चमोली जनपद के गोपेश्वर पुलिस मैदान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बद्रीश स्वयंसेवक संघ समागम का एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रांत प्रचारक और क्षेत्रीय विधायक सहित कई गणमान्य पदाधिकारी मौजूद रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ साल में 2 बार पथ संचलन का कार्यक्रम करते हैं। स्वयंसेवक पूरे नगर में अपने पूर्ण गणवेश में राष्ट्र एकता और भाईचारे के रूप में पथ संचालन रैली के माध्यम से लोगों तक सद्भावना का संदेश पहुंचाते हैं। नैनीताल में कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। एटीआई नैनीताल में आयोजित इस सेमिनार का उद्घाटन राज्य के जाने माने पर्यावरणविद चंडी प्रसाद भट्ट ने किया। 2 दिन तक चलने वाली इस कार्यशाला में राज्य भर से आए पत्रकारों और जिला सूचना अधिकारियों के साथ आपदा प्रबंधन विभाग के लोगों ने हिस्सा लिया। वहीं पर्यावरणविद चंडी प्रसाद भट्ट ने कहा कि जो भी खबर एक पत्रकार द्वारा उठाई जाती है, उसको सरकारी अधिकारियों और शासन को गंभीरता से लेना चाहिए, ताकि सही समय पर लोगों को राहत मिल सके। नहीं, जैसे दबाव एक तो प्राकृतिक तो है ही, लेकिन इसके अलावा जो आज माने अन्य कारणों से वनों का विनाश हो रहा है, बाजार का दबाव है, अतिक्रमण है, और इसके अलावा जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है उसका भी अभाव दिख रहा है। तो ये मूल कारण है, समझ लीजिए, जो हिमालय में दबाव बढ़ रहा है और स्थिति पहले से बदतर होती जा रही है। तो मतलब यह कि यदि जैसे हमारी जो जहाँ से ये नदियाँ निकलती हैं वो किसी दूसरे देश में आती है हमारे। दून की फिजाओं में लगातार प्रदूषण घुलता जा रहा है, जिससे लगातार प्रदूषण के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। अब ऐसे में सचिवालय से एक पहल की शुरुआत हुई है, जो जल्द ही राजधानी समेत सूबे में देखने को मिलेगी। राजधानी में अब सड़कों पर आपको इलेक्ट्रिक कार दौड़ती हुई दिखाई देगी, जिससे न तो प्रदूषण बढ़ेगा, कार डीजल और पेट्रोल में बढ़ते दामों से भी छुटकारा मिलेगा। सरकार ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की है, जिसके तहत 2030 तक जितने भी हमारे पेट्रोल डीजल व्हीकल हैं उनको इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट करना है। उसी के क्रम में उन्होंने राज्य सरकार को कुछ वाहन चलाकर देखने के लिए हमें उन्होंने अनुरोध किया था। पहला वाहन अभी हमें प्राप्त हुआ है आज ही, और इसे हम चलाकर एक महीने तक देखेंगे। जो अभी मुझे बताया गया है कि इस पे व्यय बहुत कम आता है, माना कि 100 किलोमीटर में ऑन एन एवरेज जो हमारे वाहन हैं वो उसमें 7-8 लीटर पेट्रोल डीजल का खर्च होता है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कितना व्यय इस पे आ रहा है। ये एक्चुअली इस समय का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो प्रदेश में प्राप्त हुआ है, और ये माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश थे कि हम लोग इस प्रोजेक्ट के माध्यम से कम 20 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लें, तो पहला आज इलेक्ट्रिक व्हीकल है। तो जो ईंधन की सेविंग्स हैं वो तो बहुत अच्छी रहेंगी, क्योंकि इसको चार्ज करने में प्रतिदिन सिर्फ 15 रुपये का खर्चा है, वेर एज नॉर्मली यदि पेट्रोल से तुलना करी जाएगी तो हमको बहुत अच्छी मात्रा में सेविंग्स होती हैं। फिलहाल अपना उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए न्यूज इंडिया। We'll be right back.
आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप न्यूज इंडिया .nimsunai पर हमें लाइक कर सकते हैं।